डीबीके पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान के इस पवित्र स्थल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरण कमलों में सत सत नमन। सुप्रभात, नमस्कार। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, आचार्य बंधु भगिनी, श्रोतागण एवं प्यारे शिक्षार्थी, आप सभी को करिश्माई प्रतिभा के धनी, भारत माता के महान सपूत, देशभक्त वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जन्मदिवस पर ढेर सारी बधाइयां। आज मैं इस प्रार्थना सभा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उन्होंने पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की, जिसका नाम आजाद हिंद फौज रखा गया था। उनके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना और बलवान होती थी। आज भी उनके इस नारे से सभी को प्रेरणा मिलती है। नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और वे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों में हमेशा उनकी टॉप रैंक आती थी। 1918 में उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पूरी की। 1920 में उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा इंग्लैंड में पास की। 1920 और 1930 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा और कट्टरपंथी नेताओं में गिने जाने लगे। इसके बाद 1938 और 1939 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1921 से 1941 के दौरान वे पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। इसके बाद जापान में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। पहले इस फौज में वे लोग शामिल किए गए जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयं सेवक भी भर्ती किए गए। साथ ही इसमें देश के बाहर रह रहे लोग भी इस सेना में शामिल हो गए। उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में भी शुरू किया और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवद गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया था। जिन दिनों सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे, वहीं उनकी आजाद हिंद फौज भी थी। सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर
चांदी के सिक्कों, चांदी के फूलदानों, चांदी के बर्तनों, सोने चांदी के जेवरों और मूर्तियों से तोला जाना था, ताकि आजाद हिंद फौज के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदा जा सके। सुभाष चंद्र बोस दोपहर में आए और तराजू के एक पलड़े में बैठ गए। सिंगापुर के हिंदुस्तानी समाज के लोगों ने दूसरे पलड़े में सोने चांदी के जेवर, सिक्के, बर्तन आदि रख दिए, लेकिन वह पलड़ा ऊपर ही उठा रहा। तभी एक गुजराती बूढ़ी मां आई। बहुत वर्षों से उसने पैसे बचाकर सोने की 5 ईंटें ले रखी थी। उस बूढ़ी मां ने वे 5 ईंटें उस उठे हुए पलड़े पर रख दी। इसी बीच एक युवती दौड़कर आई और उसने सिंदूर लगा सुहाग चिन्ह भी पलड़े में रख दिया और साथ ही आंसू भरी आंखें लिए हुए सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम भी किया। उसके पति अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तराजू का वह पलड़ा अभी भी थोड़ा ऊपर ही रहा। तभी एक बूढ़ी मां आई जिसके हाथ में सोने के फ्रेम में मढ़ा हुआ एक उसके बेटे का चित्र था। उसके बेटे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। सोने के फ्रेम वाला वह चित्र उसने जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। सोने का फ्रेम उसने तराजू पर रख दिया और चित्र अपने पास रख लिया। अब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने जब उस बूढ़ी मां के बेटे के शहीद होने की बात सुनी तो उठकर खड़े हो गए और टोपी उतारकर उस मां का अभिवादन किया। वह बूढ़ी मां बोली, मेरा एक ही बेटा था जिसे अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था। काश मेरा दूसरा बेटा भी होता, आज मैं उसे भी आपको सौंप देती। सुभाष चंद्र बोस ने उस बूढ़ी मां के पांव छूकर कहा, धन्य हो मां, तुम्हारे बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं। सुभाष चंद्र बोस 1943 में जापान गए थे। जापानियों ने इनकी मदद की थी और पूरी तरह सहमति दे दी। जापान में सुभाष जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हमला किया। दुर्भाग्य से मौसम एवं जापानी नीतियों के कारण INA को आत्मसमर्पण करना पड़ा, परंतु सुभाष जी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह एक विमान से भाग गए, लेकिन यह विमान संभवतः दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके कारण 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया, जिसका आज तक कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। इसी के साथ मैं अंत में कहना चाहूंगा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक मौके पर कहा था कि आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का आभारी हूं जो आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहादुरों, बिना कीमत
चुका है इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।